नमो नमः। आज हम आपको अपूर्व अनुभव भाग दो पढ़ाएंगे। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे अपूर्व अनुभव पार्ट, इसका दूसरा भाग है। तो या तो जान जो थी याचुकी जान को पेड़ के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी उस याचुकी जान को। तो जान ऊपर चढ़ा रही थी सीढ़ी के सहारे। याचुकी जान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया, और याचुकी जान जो था वह पहली सीढ़ी तक भी क्या नहीं चढ़ नहीं पाया। इस पर तो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धक्याने लगी, पीछे से धक्का देने लगी उसे। पर तो चांद थी और छोटी और नाजुक सी, इतनी अधिक सहायता क्या करती। जो तो चांद थी वह छोटी थी, वह सहायता नहीं कर पा रही थी, उसको पीछे से धक्का नहीं दे पा रही थी। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, और यासुकी चांद जो है सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया क्योंकि उसके पैर में क्या था, उसके अंगों में पोलियो था। झुकाकर खड़ा हो गया वह सिर झुकाकर। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी, और उसने सोचा कि इतना आसान नहीं है जो मैं सोचे बैठी हूँ कि इतनी जल्द आसानी से वह पेड़ में चढ़ जाएगा यासुकी चांद। अब क्या करें, ऐसा सोचने लगी, अब क्या करूं मैं इसको ऊपर चढ़ाने के लिए। याचुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह याचुकी चांद जो है पेड़ में चढ़े। याचुकी चांद के मन में उत्साह था, वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था, और उसका लटका सा चेहरा बहुत उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। और जो याचुकी चांद था वह निराश था, उसको हंसाने के लिए उसने बनावटी चेहरा उसको हंसाने के लिए बनाया उसने। फिर वो एक बार सूझी है, वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी, और फिर दोबारा जब पहले सीढ़ी लाई थी चौकीदार के छप्पर से, दोबारा फिर वही उधर की ओर दौड़ी, और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी, और वह फिर देखने लगी उस चीज को। आंखें उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, और फिर उसको आखिर में वहां चौकीदार के छप्पर से वह क्या लाई, तिपाई सीढ़ी। तिपाई का मतलब तीन पैरों वाली सीढ़ी, क्या है, तीन पैरों वाली सीढ़ी को कहते हैं तिपाई सीढ़ी। वह उठा करके लाई, जिसको जो है पकड़ना भी नहीं होता है, वो अपने आप ही तीनों पैरों में क्या रहती है, खड़ी रहती है, उसको सहारा देने के नीचे से कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, और जो तिपाई की जो सीढ़ी थी ऊपर तक, वहां द्विशाखा तक वह क्या कर रही थी, पहुंच रही थी। द्विशाखा को कहते हैं द्विशाखा, दो शाखा वाला, जैसे ऐसे द्विशाखा इसे कहा जाता है, जो दूसरी शाखा नीति हो जिससे उसे कहा जाता है द्विशाखा। तो यहां से सीढ़ी लगाई इसने, तो यहां तक ही क्या हुआ है, पहुंच पाई सीढ़ी, तो इसे कहा जाता है द्विशाखा। क्या कहा जाता है, दूसरा जो शाखा निकली रहती है पेड़ की, जैसे सीधा पेड़ है उसमें दूसरा जो शाखा निकली रहती है उसे क्या कहा जाता है, द्विशाखा। तो द्विशाखा तक वह पहुंच पाई वह सीढ़ी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। और उसने तो चांद ने उसको बोला, देखो डरना नहीं है, ये डरने की बात नहीं है, और यह आसानी से आप वहां तक पहुंच जाओगे, आप चिंता नहीं कीजिए, डरिए मत। याचुकी चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने के तरवर तो चांद की ओर देखा, और यह याचुकी चांद ने उसके तो चांद की ओर देखा, और वह घबराई हुई थी तो चांद भी, क्योंकि यह उसके लिए बहुत क्या था, मुश्किल था एक यासुकी चांद को वो सीढ़ी वहां तक पहुंचाने, पेड़ तक पहुंचाने में। और देखा उसे भी काफी पसीना आ रहा था, उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी
पर रखा और उसने पेड़ की ओर देखा, उसने यार तोतो चांद ने यासिकी चांद को पेड़ के पहले से उसके पैर पकड़ करके पहले सीढ़ी पर रखा। इन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासिकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा, और इन दोनों को पता भी नहीं लगा कि यह कितना समय लगा यहां तक चढ़ने में, क्योंकि वह अथक हो रही थी प्रयास करने में बहुत ज्यादा। वह क्या कर रही, कोशिश कर रही थी उसको चढ़ाने में बहुत ज्यादा, उनको पसीना आ गया, बहुत मेहनत करने लगी वह। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था और सूरज का ताप भी उनके ऊपर क्या कर रहा था, पड़ रहा था, रोशनी सूरज की धूप पड़ रही थी उनके ऊपर सूर्य की। पर दोनों का ध्यान यासिकी चांद की ऊपर तक पहुंचे में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने मैं मदद कर रही थी, और तोतो चांद क्या कर रही थी, यासिकी चांद के एक एक पैर को ऊपर सीढ़ी में उसको चढ़ाने में कोशिश कर रही थी वह। पर सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही और सिर के बल उसको क्या कर रही थी, एक सिर के बल कंधे के बल उसको क्या कर रही थी, उसके शरीर को पीछे से भी सपोर्ट कर रही थी वह, उसको स्थिर कर रही थी। यासिकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और यासिकी चांद पूरी शक्ति के साथ पूरे प्रयास के साथ क्या कर रहा था, वह पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और आखिर वह ऊपर पहुंच गया और आखिरकार में वह कहां पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया जहां तक तोतो चांद ने उसको पेड़ में पहुंचाने की कोशिश की थी, द्विशाखा तक, जहां तक उसको ले जाना था द्विशाखा तक आखिर वह पहुंच गया। पूरे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। जब अब पहले ये बता रहे कि पहले उसको ऐसा लगने लग गया था तोतो चांद को कि अब जो मेरी मेहनत इसको यहाँ लाने की और इसको कोशिश करने की मेरी क्या हो गई, मेहनत पूरी खराब हो गई है, ऐसा वह सोचने लगे अपने मन में। अचानक सारी मेहनत बेकार और लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई और वह तो द्विशाखा तक पहुंच गई, पर यासिकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश बेकार रही और उसकी उसकी जो कोशिश थी वह क्या रही, बेकार रही। याचुकी चांद सीढ़ी था मैं तोतो चांद का और ताकने लगा और याचुकी चांद तोतो चांद की ओर क्या करने लग गया, ताकने लगा, झांकने लगा उसको देखे। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई, उसने चाहा था कि याचुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं और उसने उसकी इच्छा थी कि उसको आमंत्रित करके मैं उसको जरूर क्या करूंगा, उसको नई नई चीजें दिखाऊंगा पेड़ में चढ़ करके। पर वह रोई नहीं, उसे डर था कि उसके रोने पर यासिकी चांद भी रो पड़ेगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी और वह रोई नहीं। उसको पता था अगर मैं रोने लग जाऊंगी तो यासिकी चांद भी क्या करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, इसलिए वह हिम्मत नहीं हारी। तो चांद उसमें यासिकी चांद का पोलियो से पिचकी और अंगड़ी उंगलियां वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसके जो पोलियो हुआ था जिस हाथ में उसने क्या कर लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया। तोतो चांद ने उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और उसने बोला कि आप कोशिश करो, मैं आपको, आप लेट जाओ, मैं आपको ऐसे खींचने की क्या करती हूँ, ऊपर कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासिकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह डर से मारे चीख उठता। अगर इस दृश्य को यदि कोई बड़ा व्यक्ति देखता, उससे उनसे बड़े लोग देखते थे इस यासिकी चांद को तोतो चांद ऊपर खींच रही है, तो जरूर ही उनको क्या करता, जरूर डांटता। उसे वे सच में जोखिम उठाने की दिखाई ही दिखाई देते, पर यासिकी चांद तो तोतो चांद पर पूरा भरोसा था। यासिकी चांद को पूरा भरोसा था कि मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मुझे कोई भी परेशानियां नहीं होंगी, इसलिए वह उसने पूरा विश्वास था कि जो तोतो चांद मुझे पेड़ में जरूर चढ़ाएगी। और वह खुद की यासिकी चांद के लिए भारी कदम उठा रही थी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत में यासिकी चांद को चीखने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था और बीच बीच में क्या कर रहा था, बादल ऊपर छाए हुए थे तो उनको जो धूप लग रही थी तो उनसे उस धूप ने उनको राहत मिल रही थी उस बादल के टुकड़े से बीच बीच में, क्योंकि बहुत गर्मी थी, तेज धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी। एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कटकती धूप से बचा रहा था।
काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की विशाखा पर थे और फिर काफी मेहनत करने के बाद दोनों क्या पहुंच गए, द्विशाखा तक पहुंच गए। पसीने से तरबर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और तोतो चांद ने यासुकी चांद को बोला कि मेरे पेड़ में आपका क्या है, स्वागत है। यहाँ वहां की ऐसी परंपरा थी कि जो भी उनके पेड़ में यदि जाएगा तो उसको वह बोलते थी कि आपका स्वागत है मेरे पेड़ में। जब पूछ करके वह पेड़ में कोई भी चढ़ता था तो उसको क्या बोलते थे, सम्मान के साथ, आप जैसे घर में हम हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे घर में आपका स्वागत है। वैसे ही तोतो चांद ने याचुकी चांद को बोला कि आपका स्वागत है मेरे पेड़ में। याचुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर याचुकी चांद ने बोला, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? उस दिन याचुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी। उस दिन जब पेड़ में तोतो चांद ने उसको चढ़ाया तो उस दिन दुनिया की उसने क्या देखी, नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिससे इससे पहले उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, ऐसा कभी नहीं देखा था। क्योंकि वह क्या था, पोलियो से ग्रसित था, उसको पोलियो हुआ था, वह जो कहीं चल फिर नहीं पाता था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। फिर याचुकी चांद ने जो है तोतो चांद को बोला, इतनी मेहनत होती है पेड़ में चढ़ने में, ऊपर बैठने के बाद दोनों में आपस में बातचीत हो रही, इतनी मेहनत होती है ऊपर जाने में, पेड़ में चढ़ने में। वे बड़े देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे और जब दोनों ऊपर पेड़ में चढ़ गए तो फिर दोनों क्या कर रहे थे, आपस में गप्पे लड़ा रहे थे, गप मार रहे थे, बातचीत कर रहे थे आपस में। मेरी बहन, अब जो याचुकी चांद कह रहे हैं कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है टेलीविजन। याचुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था और याचुकी चांद जो है तोतो चांद को बता रहा था कि एक मेरी बहन अमेरिका में रहती है, वहां एक छोटी सी चीज होती है टेलीविजन जिसे कहते हैं। उमंग से वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुम्मो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहने लगा कि जब अगर ये क्योंकि वह दोनों कहाँ के थे, जापान के थे, उसने बोला कि वह जो टेलीविजन अगर जापान में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस टीवी में, उस टेलीविजन में सुम्मो पहलवान को देखेंगे जो कुश्ती करते हैं। वह देख टेलीविजन एक छोटा सा डिब्बा होता है, डिब्बे जैसा होता है टेलीविजन, उसको अगर वह जापान में आ जाएगी कि कहानी जो है जापान की एक स्कूल की है, जो जापान के जो कहानी वहां से लिया गया है, एक साहित्य से लिया गया है ये तोतो चांद कहानी, सुम्मो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चांद उस समय यह तो न समझ पाए कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, पर बैठे चीजों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। वह कह रहा कि वह तोतो चांद सोचने लगे कि भाई ये याचुकी चांद तो कहीं चल फिर नहीं पड़ता, लेकिन ये कैसे देख लेगा उसमें। वह तो यह सोचती रहेगी कि सुम्मो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। अब ये तोतो चांद सोचती कि इस डिब्बे के अंदर कैसे जो है इतना पहलवान जो उस डिब्बे के अंदर समा जाएगा, वह ऐसी कल्पना करने लग गई। उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी और वह सोचने उसको जब ऐसे बताया कि उसने कि उस एक टेलीविजन होता है जिसके अंदर जो है सुम्मो पहलवान होता है, तो उसको उसकी बात क्या होने लगी, लुभावनी लगने लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, उस समय टेलीविजन के बारे में कोई भी नहीं जानता था। जैसे पहले आजकल कई चीजें आ गई, टेक्नोलॉजी, मोबाइल है, टीवी, एलईडी, टॉर्च, रेडियो, सब ये बाद में आए, तो उस समय कोई नहीं जानता था कि भाई इतनी चीजें आएंगी, तो आदमी हैरानी से देखता था। आज हम या कोई भी कहीं भी व्यक्ति बैठा है तो उसको हम आसानी से अपने फोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उसे हम देख लेते हैं, उसे बातचीत कर लेते हैं, कहाँ है, किसी क्षेत्र की जगह है, कौन सी जगह है, उसको सब हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको। लेकिन कई पहले 100 साल पहले, 70-80 साल पहले कोई ऐसा नहीं सोचता था कि एक ऐसा कोई यंत्र भी होगा जिसके द्वारा आदमी
दूर दूर तक बात किया करेगा, या कोई ऐसी चीज होगी जिससे आदमी जो है दूर तक बात किया करेगा, दूर से उसको देख लेगा, वहां से ऐसा खिलौना होगा कोई ऐसा नहीं सोचा करता था, बारे में कोई नहीं जानता था उस समय। पहले पहल यासुकी चांद ने तो चांद को उसके बारे में बताया था, और पहले पहले बार या तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं और दोनों बेहद खुश थे, यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अंतिम मौका था। और दोनों आपस में क्या कर रहे थे, बहुत खुशी से गीत गा रहे थे, और उसके लिए क्या था, वह पहला अनुभव था कि याचुकी चांद को यह पहला और अंतिम अवसर था कि वह पेड़ में चढ़ने का, क्योंकि वह इतनी बड़ी कोशिश कोई नहीं कर सकता था। तो चांद ने इतना मेहनत कर ली थी, लेकिन वह अपने माता पिता से बच करके, बड़े लोगों से बच करके उसको याचुकी चांद को पेड़ में चढ़ाया था। ये कोई ऐसा करना एक बहुत कठिन काम था, ऐसा एक व्यक्ति को जो कमजोर था पैरों से, हाथ पैरों से क्या था, जिसके पोलियो था, उसको चढ़ाना पेड़ पे बहुत ही कठिन कार्य था, जो तोतो चांद ने उसके लिए किया था याचुकी चांद के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि तो यह याचुकी चांद के लिए क्या था, अंतिम अवसर था। तो आज के लिए बस इतना ही।